गुरु जी की हमने इतने दिनों से सेवा करी, इतने सालों से, बदले में क्या मिला? 5 अनार। गुरु जी को ये बात पता है कि किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि भाई मन का हो तो अच्छा है और मन का ना हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हमारे मन का नहीं होता वो भगवान के मन का होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज किशोर शर्मा एंड यू आर वाचिंग नॉलेज क्यों। हम वापस आ गए आप लोगों के बीच में एक और पावरफुल मोटिवेशन स्टोरी के साथ। इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक गुरुकुल से। दरअसल एक बार की बात है, एक बार एक गुरुकुल था जिसमें कई सारे शिष्य पढ़ते थे और गुरु जी जो वहाँ करते बड़े अच्छे थे, बड़े ज्ञानी थे। उनमें से एक शिष्य था जिसकी छोटी बहन की शादी होने वाली थी 5-6 महीने बाद। वो गुरु जी के पास आता है, बोलते हैं भाई गुरु जी मेरी बहन की 5-6 महीने बाद शादी है और यू हैव टू कम विद मी, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा उसको आशीर्वाद देने के लिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तब गुरु जी ने सीधे उसको मना किया, तो बोला कि भाई देखो मैं शादी पार्टी में कहीं नहीं जाता हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मैं नहीं जाऊँगा। उस शीश को लगा कि भाई गुरुजी तो अभी कह रहे हैं मना, लेकिन मैं इनको राजी करके ले जाऊँगा। अब वो दिन भी आया, 1 हफ्ते रह गए थे छोटी बहन की शादी में। वो शीश आया कि गुरुजी मैं आपसे भी विदा लेता हूँ, गुरुकुल से मेरे को थोड़ा छुट्टी दीजिए क्योंकि मेरे को अपनी बहन की शादी में अरेंजमेंट करने जाना है। तो चलिए, मैंने आपको भी बोला था, चलो आप भी मेरे साथ। गुरुजी ने बोला देखो भाई मैं कहीं पे भी शादी पार्टी में कहीं नहीं जाता हूँ, तुम एक काम करो, तुम मेरे जो दो शिष्य हैं इनको अपने साथ में ले जाओ, ये तुम्हारी बहन की शादी में तुम्हारा हाथ बटाएंगे, तुम्हें मदद करेंगे और ये 5 अनार मैं तुमको देना हूँ, इस 5 अनार को तुम अपने पास रखो। वो शिष्य थोड़ा उदास मन से बाहर निकला, रास्ते में जा रहा था, दोनों शिष्यों से बात कर रहे कि भाई देखो गुरु जी की हमने इतने दिनों से सेवा करी, इतने सालों से, बदले में क्या मिला? 5 अनार। गुरु जी को ये बात पता है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, उनको मेरी धन से थोड़ी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन देखो 5 अनार दिए, 5 अनार का मैं क्या करूँगा। तब दोनों जो शिष्य थे वो बोल के भाई देखो गुरु जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा हुआ, चलो आगे। आगे बढ़ते गए तो एक गाँव आया बीच में। अब उस गाँव में एक कई सारे सिपाही थे जो कि ऐलान कर रहे थे कि भाई जिस किसी के पास अनार है वो आकर राजा को दे दे, क्योंकि राजा की बेटी की तबीयत बहुत खराब है, इस नगर में अनार नहीं है, यहाँ पे अनार होता ही नहीं है यहाँ पे। तब जो शिष्य था उसने सोचा कि भाई देखो इन 5 अनार से मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं, क्यों ना किसी की जान ही बचा लें। वो राजा के पास गया, राजा को बोलते कि भाई लो महाराज आपके अनार, आप अपनी बेटी की इसको औषधि बना के इसको इलाज करवा सकते हैं। तब जो राजा था, राजा बड़ा खुश हुआ, राजा ने बोला कि भाई देखो यहाँ अनार नहीं होता, तुमने मेरे ऐसा मेरी जो बेटी उसकी जान बचाई, अब ये इन अनारों से उसको उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो राजा ने इस चीज को देखकर वो खुश हुआ, तो उसने उस शीश को क्या किया, कई सारे हीरे मोती जवाहरात से फुलफिल कर दिया। अब शीश क्या था, बाहर निकला, 2 शीश और थे, उनसे बोला कि भाई गुरु जी जो है ना हमारे बहुत महान है, गुरुजी होते हैं, भगवान के आशीर्वाद के साथ उन्होंने मुझे 5 अनार नहीं दिए थे, उन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए थे समझ लो, जिनकी वजह से मैंने एक तो मेरे से पुण्य भी हुआ, किसी की जान बचाई, दूसरे तो मेरा भगवान ने कल्याण भी कर दिया गुरुजी के आशीर्वाद से। अब जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी बढ़कर मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, मैंने जो अपशब्द कहे मैं उसके लिए भगवान से क्षमा चाहता हूँ। तब जाकर वो अपनी बहन की शादी भी अच्छे धूमधाम से किया। देखो भाई उस शिष्य को तो बात समझ में आ गई, लेकिन बात हमें और आपको कब समझ में आएगी? प्रॉब्लम तो यही उठती है, हमें जब हमारे मन का नहीं होता हम बड़े गुस्सा हो जाते हैं, भगवान को गुस्सा बोलते हैं, किसी पे भी गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान टॉफी इसलिए छुड़वाते हैं ताकि वो पूरा हमें टॉफी का डब्बा देना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हनुमान जी से बोला था हमने, हनुमान जी से सानी वारण सेना और वैद्य ने बोला था कि एक संजीवनी बूटी ले आओ, लेकिन वो संजीवनी बूटी नहीं लाए, वो पूरा पर्वत उठा लाए, पूरी डिस्पेंसरी उठा लाए। तब तक के लिए ऐसी और भी मोटिवेशन वीडियोस लाता रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ा।